हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल रमोला ब्लॉग्स वंस अगेन। तो गाइज बात ऐसी है, आज है 14 अगस्त, आज आएगा बिग बॉस का रिजल्ट। एल्विस का सिस्टम जीतेगा मुझे जहाँ तक अंदाजा है। एंड आज ही से शुरुआत है हमारी केदारनाथ यात्रा की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केदारनाथ ही बोलूँगा क्योंकि क्या मालूम कितना टाइम लगेगा वहाँ पे हमको, एंड हेलीकॉप्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन बुकिंग मतलब हो नहीं रही है। तो वहाँ जाके मैंने पता किया कुछ लोकल्स मतलब अपने भाई लोगों से, तो उन्होंने बोला है कि वो मतलब वहाँ पे लोग टिकट मिल सकता है, तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो आज का कुछ प्लानिंग ऐसा है कि आज हम रात को निकलेंगे देहरादून के लिए, या मॉर्निंग सुबह 3 बजे निकलेंगे। अभी ऑफिस से शाम के 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं घर की तरफ। एंड अभी मेरे को वैसे गाड़ी में बहुत काम भी करवाना था, लेकिन अभी मैंने वो करवाया नहीं, तो देखते हैं देहरादून चल के देखते हैं। तो रात को निकलते हैं, चलो। सो हाय गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। मतलब रात को मैं दोस्तों की पार्टी में चले गया था, तो अभी मतलब बहुत लेट उठा हूँ यार। मैंने सोचा था 3 बजे उठेंगे और चलेंगे, लेकिन आज मेरे को निकलना है देहरादून के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए। स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी, तो अभी निकलते हैं। पैकिंग वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइज अभी निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं जी। काफ़ी लंबी ट्रिप होगी। सो गुड मॉर्निंग गाइज। सो फाइनली मतलब धूप आने लग गई है, सामने दिख भी रहा होगा आपको। एंड मैं हूँ मेरठ एक्सप्रेस वे पे, एंड कुछ चलता हूँ आगे। आज वैसे भी 15 अगस्त है, तो ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, और काफ़ी रोड्स भी बंद हैं। सो गाइज फाइनली सुबह के 8 बज गए हैं, धूप भी निकल गई है, तो मैं पहुंचने वाला हूं मुजफ्फरनगर। बट उससे पहले मैं यहां पे थोड़ा रुक गया हूं, वॉशरूम वगैरह। सो गाइज़ ये है मेन रोड, और मैं रुका हूं फन एंड फूड कार्निवल में। सो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, चाय पानी का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देहरादून पहुंच जाएंगे हम जल्दी। वैसे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, सुबह के हिसाब से जो प्लानिंग था वो तो नहीं हो पाया। ये वाला प्लेस मैं पहली बार रुका हूँ शायद, तो शोर बहुत है यहाँ पे, लेकिन जगह मस्त है। अभी मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये जगह बहुत अच्छी है। आप आ सकते हो, 1 डे ट्रिप बना सकते हो, जैसे मूरसल जाते हैं वैसे ही इस साइड भी आ सकते हो। ये वाला अच्छा है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे की मतलब तैयारी चली रखी है। वेल, मैं बातों बातों में भूल गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। अगर मैं ये सेम डे पे रिलीज़ कर देता हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाया फिर भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। देखिए, अगर आप इस प्लेस पे आते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं खाने पीने के लिए। KFC है, कोस्टा कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा हट है, एंड द फूड स्ट्रीट है, बीकानेर है वाला है, यू नो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आप यहाँ पे मतलब आके एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी मतलब अच्छा प्लेस है। मुझे तो काफ़ी डिसेंट मतलब सही लगा ये। आई डोंट नो खाना यहाँ पे कैसा है, बिकॉज़ अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम फूड एक्सप्लोर करें, तो अभी हमें जाना भी है। तो गाइज़ अभी हो गया यहाँ पे घूम के, और अभी चलते हैं आगे। तो जस्ट आया, मैंने चेक किया, अरे यार इसमें थोड़ा हवा कम है तो भरनी पड़ेगी। चलो भरते हैं। तो फाइनली हवा भर चुकी है एंड अब निकलते हैं आगे। गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पे एंड मतलब धूप भी निकल रही है हल्की हल्की, तो टायर की हवा भरने में थोड़ा सा टाइम लग गया है यहाँ पे। बट अब हमारी जो केदारनाथ ट्रिप है वो शुरू हो चुकी है एंड आज का दिन हम स्टे करने जा रहे हैं देहरादून में। कल से हमारी ट्रिप एक्चुअल स्टार्ट होगी। आज हम एक्चुअली 15 अगस्त को हम मतलब जा रहे हैं देहरादून में, तो वहां से कुछ तैयारी करेंगे। तो अभी आगे मिलते हैं देहरादून में। जैसा कि आप लोग जानते हैं सारी जो चार धाम यात्राएं हैं उत्तराखंड की हरिद्वार से ही शुरू होती हैं, बट अभी के लिए तो मैं देहरादून जा रहा हूं। तो वहीं से मैं कल अपनी मतलब जो केदारनाथ की जर्नी है वो स्टार्ट करूंगा। सो अभी के लिए यहां का आपको मैं व्यू दिखा देता हूं। आप देखिए सामने है हरकी पौड़ी और कुछ इस तरीके से यहाँ पे, मतलब आज पानी काफ़ी ज़्यादा है यार यहाँ पे और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। एक मतलब तो हल्का फुल्का मतलब हो सकता है बाद में बारिश हो जाए। तो अभी चलते हैं आगे। ऑलराइट गाइस, सो मैं फाइनली होटल में चेक इन कर चुका हूँ एंड होटल रूम कुछ इस तरीके से है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये रूम कुछ इस तरीके से है, ये हमारा टीवी एसी सब लगा हुआ है इसमें एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन बेडरूम है ये एंड मतलब मेन एरिया जो हमारा मेन मार्केट है उसके आसपास ही है। और वॉशरूम मैं दिखा देता हूँ, इस वॉशरूम थोड़ा सा इस साइड वाला थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी है यहाँ पे, तो ठीक ही है ओवरऑल। तो गाइज़ जो लोग सोचते हैं कि मैं उत्तराखंड का हूँ और उत्तराखंड आता रहता हूँ तो मेरा घर जैसा है, हाँ घर जैसा तो है ही भाई, लेकिन पैसे तो लगते ही है ना। घर में थोड़ी ना रह रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, तो यहाँ तो खर्चा होगा ही होगा। तो मैं फ्री में नहीं रह रहा होता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि मतलब मेरा पैसे नहीं लगते, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, पूरा पैसा लगता है। हर एकोमोडेशन के लिए पैसा आपको स्पेंड करना पड़ता है, बाकी तो है ही। हाँ भैया थैंक यू। और भैया वो खाने का मैं बता रहा था आपसे, तो मैं खाने का ऑर्डर कर लेता हूँ। सो गाइज़ अभी प्लान कुछ ऐसा है कि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को हमने कल पार्टी करी थी तो सुबह मतलब थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, आँखें लाल हो रखी थी। फिर गाड़ी ड्राइव करो आप देहरादून तक भाई 300 किलोमीटर, तो आप तो थोड़ा हेक्टिक तो फील होगा। तो अभी के लिए मेरा प्लान ये है कि मैं सो जाता हूँ भाई और जैसे ही 4 बजेंगे, आज का दिन तो ऐसे ही गुजर रहा है, 4 बजेंगे तो आई थिंक 4-5 बजे मैं उठ जाऊँगा। 4-5 नहीं तो मतलब 3 बजे तक उठी, आई थिंक थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, बहुत सारे काम करने हैं। आसपास भी थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करना है और कुछ सामान जो भी ज़रूरी है हमारी केदारनाथ ट्रिप के लिए वो हम परचेज़ करेंगे, या मुझे बहुत सारे काम भी हैं वो भी करवाएंगे साथ साथ। तो अभी के लिए सो जाता हूँ। तो गाइस शाम के 4:30 बज चुके हैं, पता ही नहीं चला मतलब सोते सोते यार कब 4:30 हो गए और 5 बजने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट अभी मुझे बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं, तो चलते हैं मार्केट की ओर एंड थोड़ा बहुत काम निपटा के आते हैं। तो गाइस अभी मैं बाहर निकल गया हूँ और मार्केट की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ काम है। एंड अभी मैं पहुँचा हूँ ये देहरादून के क्लॉक टावर के आसपास, और यहाँ पे मतलब एक मॉडरेट ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे नॉर्मली लगता नहीं है लेकिन आज थोड़ा मॉडरेट चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लगता है सुबह से खाली था ना, तो अभी सब बाहर निकले हैं। आज 15 अगस्त की वजह से सब ऐसे ही हो रहा है भाई। चलो 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 यार, मार्केट में पार्किंग का बड़ा इशू है, पार्किंग नहीं मिल रही है हमें। अब मेरे को पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा आसपास पार्किंग मिल जाए तो फिर थोड़ा सा पैदल यहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो गाइज फाइनली मुझे जो पार्किंग है अंडर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी पड़ रही है, तो यहाँ पे जो पार्किंग चार्जेस है जाना है, नीचे जाना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है। तो गाड़ी पार्क करने के लिए बेसमेंट में ही आना पड़ा। अब यहाँ से निकलते हैं आगे क्लॉक टावर की मार्केट के आसपास, तो यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या ले सकते हैं जो हमारी ट्रिप के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो मैं देख रहा हूँ मोबाइल फिक्स करने के लिए कोई डिवाइस मिल जाए गाड़ी में, डैशबोर्ड पे मतलब लगा लूँ, जिससे कि प्रॉपर मेनटेन रहे डिस्टेंस और वॉइस थोड़ा सा मतलब क्लियर रहे। तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ देहरादून के एक छोटे से मतलब मार्केट में। इस मार्केट का नाम है इंदिरा मार्केट। तो काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे एंड काफ़ी कुछ मिल सकता है मतलब ट्रिप से रिलेटेड। वहाँ मौसम में ठंड है तो टोपियाँ भी लेनी थी मुझे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ ये है देहरादून का इंदिरा मार्केट, काफ़ी सेक्सी लग रहा है। यहाँ पे मेनली जो है बॉयज़ आउटफिट आपको मिलेगा, तो जितने भी लॉन्डो के कपड़े हैं सारे यहाँ मिल जाते हैं। और काफ़ी मतलब कैची सा मार्केट है क्योंकि सब कुछ भारी लगा रहता है ना, सब सामने दिख जाता है। और ये सरोजनी वरोजनी की तरह नहीं है, तो यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ रश वगैरह थोड़ा कम होता है, नॉर्मली तो ज़्यादा होता है, आज थोड़ा कम। तो गाइस सामने है घंटाघर देहरादून का क्लॉक टावर, वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस यार। तो यहाँ का मार्केट कुछ ऐसा है एंड क्लॉक टावर के उधर भी मार्केट है, बट उधर नॉर्मली मतलब लेडीज़ से रिलेटेड सामान ही मिलता है। पीछे बॉयज़ का मार्केट था जिसमें मैंने अभी दिखाया आपको, एंड थोड़ा शोर ज़्यादा होगा बट मज़ा आ रहा है। तो गाइज़ यही है वो मार्केट पलटन बाज़ार जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ भीड़ बहुत है, शाम के 7 बज रहे हैं लेकिन भीड़ देखो। चलें थोड़ा सा घूमते हैं। तो फाइनली शाम होने को आ गई एंड अब चल काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है। मैंने चप्पल ख़रीद लिए, यहाँ पे कुछ टी शर्ट वगैरह वो ख़रीद ली, तो इधर से नहीं मैंने कुछ बॉयज़ मार्केट से भी ख़रीदी है। एंड वो सामने जल गई क्लॉक टावर की लाइट भी। तो चलते हैं, मिलते हैं रूम पे। तो गाइस शॉपिंग वगैरह डन हो गई है एंड आ गया हूँ मैं वापस पार्किंग में। चलते हैं थोड़ा सा होटल की ओर। तो गाइज़ मैं अभी आया हूँ देहरादून के क्रॉस रोड मॉल में एंड कुछ सामान भूल गया था मैं, तो मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। तो गाइज़ मूवी भी लगी पड़ी है, OMG, गदर 2 और ड्रीम गर्ल 2। प्लान तो यही था यहाँ से मूवी देख के जाएंगे, लेकिन कल सुबह जल्दी भी उठना है, फिर हेक्टिक हो जाएगा यार। तो जो सामान लेने आया वो पहले ले लेता हूँ। सो गाइज़ अपनी होटल में जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं आ गए हैं, क्योंकि ये मेन रोड पे ही है। यहाँ पे सामने क्लॉक टावर है और होटल के सामने ही आज 15 अगस्त में मेला लगा हुआ है। तो लगता है नहीं है ब्लॉग एंड करने का टाइम मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार करने को। तो मुझे लग रहा है सामने मेला लगा हुआ है तो घूम लेते हैं। तो गाइज़ फाइनली हम पहुंच गए हैं, सामने देख लो इंडियन फ्लैग, चमकती लाइट्स, आईफिल टावर, बुर्ज खलीफा, सब कुछ बनाया गया भाई। बहुत सही है टाइम पास करने के लिए। तो ये जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ उसके जस्ट बगल में मतलब मेला लगा हुआ था, तो क्यों मिस करें भाई। यहाँ भी देख लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। आखिर हम केदारनाथ ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा एंजॉय। तो फाइनली गाइज़ रूम पे वापस आ गए हैं और काफ़ी देर हो चुकी है, रात के आई थिंक 10 बजने वाले हैं। और मैंने अभी तक डिनर के लिए मतलब ऑर्डर तो दे दिया है, डिनर भी आएगा थोड़ी देर में। डिनर करके हम सो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी काफ़ी लंबा शूट हो गया। कल हम शुरू करेंगे मॉर्निंग में यहीं से अपनी केदारनाथ ट्रिप। एंड जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ पूरी सीरीज़ और ज़रूर देखें। आपको हाइलाइट्स मिस नहीं करनी चाहिए। मैं हाइलाइट्स ज़रूर मतलब ऐड करूँगा हर ब्लॉग में। तो जो भी हमारा टाइम स्टैम्प होगा वो हम ऐड करके रख देंगे, और आपको जो बेस्ट जो हम कैप्चर कर सकेंगे वो आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब जो हमारे चैनल पे नए हैं, एंड प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताते नहीं हैं वो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, बिकॉज हम अभी तक रेगुलर अपनी जैसे लाइफ में चल रहा है वही शूट कर रहे हैं। सो अभी तक तो सब बाकी सब बढ़िया है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड नाइट गाइज। मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय। ओ भाई ये देखो यार, ये भाई मतलब क्या ही है ये भाई, अलग ही व्यू दे रहा है। ऊपर से एकदम मतलब ऐसा मन कर रहा है भाई इसके नीचे खड़े हो जाओ, पर इस समय ठंड बहुत लग रही है भाई हमको। सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, पानी तो जगह जगह निकल ही रहा है और बहुत मतलब उड़ता हुआ आ रहा है ये सामने